आज का हमारा टॉपिक है एज ऑफ जॉनसन, जो कि हम न्यू क्लासिकल एज हम पढ़ रहे हैं। ये वाली स्लाइड लगता है मैं आपको फिर दिखाऊं ताकि एक रिमाइंडर रहे। ये देखें जी, तो इस स्लाइड से हमें क्या पता चल रहा है कि क्लासिकल एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पीरियड्स, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। हम अभी तक जो है वो एज ऑफ ड्राइडन मुकम्मल तौर पर हमने कवर कर ली है, एज ऑफ पोप भी हमने एक पार्शियली कवर की है। हम असल में अभी वापस जाएंगे उस एज में, फिर हमने कुछ चीजें अभी रहती हैं वो कवर करेंगे, और एज ऑफ जॉनसन में है आल हम पार्शियली जो है ना अगली एज में, उस एज के अगले पार्ट में आप यूं कह सकते हैं। और एज ऑफ जॉनसन में भी हमने कुछ पार्ट्स कर लिए थे, स्पेशली पोइट्री कर ली है। आज हम देखते हैं कि प्रोज कौन सी लिखी गई और कौन से बड़े बड़े प्रोज ऑथर हैं, उनको आज डिस्कस करते हैं। तो ये हमने डिवीजन आपके साथ अभी शेयर की है। तो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एज, यस दिस पार्ट ऑफ द एज, अगर देखें इन द एज ऑफ जॉनसन, जो के नाम से आपको जाहिर हो रहा है ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम पे, वो एक जायंट थिंकर थे इसके अंदर, और उन्होंने सबसे जो बेस्ट वर्क है वो जनरेट किया। ऐसी पर्सनैलिटी भी वो बहुत बड़ी अट्रैक्टिंग किस्म की, एक कैची किस्म की पर्सनैलिटी हुआ करते थे। अपने दौर के ना वो एक मैग्नेट थे, और जितने भी लिटरेरी फिगर हैं उनके घर जो है वो हमेशा ही एक एक बैठक, एक सरगर्मिनी जो है वो हमेशा से चलती रहती थी, वो एक सेंट्रल स्टार रहते थे। इन द एज ऑफ जॉनसन द ट्रेडिशन एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोज राइटर ऑफ द अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी एडिसन स्टील स्विफ्ट वाज कैरीड फर्दर। एज ऑफ जॉनसन द ट्रेडिशन एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोज राइटर, जो पहले हो चुका था एडिसन स्टील और स्विफ्ट ने जो काम किया था, बिल्कुल इसी एज में वो तो काम, लेकिन ये चूंकि आपको पता है बहुत बड़ी है, तो ये जैसे ही आगे बढ़ता है इन द फील्ड ऑफ प्रोज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप एस्टैब्लिश्ड लिटरेरी स्टाइल व्हिच वाज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल एंड लूसिड थॉट। लॉजिक और रीजन आपको पता है इस एज का एक वॉच वर्ड है, ठीक है। जैसे कि अगली एज में जाके पैशन और नेचर एक नया वॉच वर्ड आएगा। अभी हम इस लेक्चर के बाद में एक लेक्चर अभी मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने प्रिपेयर किया हुआ है अभी, और वो है कि इन दोनों जो एज है इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। 7 डिफरेंसेस हमने एक निकाले हैं, चलिए उस पर भी हम करते हैं विवाद, सेपरेट होगा वो लेक्चर। द ग्रेट प्रोज राइटर लाइक द पिलर्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन वाज रिप्रेजेंटेड इन देमसेल्फ द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज पर जॉनसन खुद, बर्क और गिबन। तो कोई ज्यादा बहुत हमारे पास तादाद बड़ी नहीं है, कोई अबंडेंट जो है वो राइटर्स की तादाद नहीं हमें मिलेगी, थोड़े राइटर हैं और सिर्फ 3 राइटर बड़े जो हमारे पास प्रोज राइटर सिग्निफिकेंट जो एज ऑफ जॉनसन में मिलते हैं, जो बिल्कुल ये प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक और लूसिड थॉट जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और वो हमें मिलते हैं जॉनसन खुद, बर्क और गिबन। तो इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्पेशल काम किया और इनकी स्पेशलिटी क्या है, इनको इनकी इडियोसिंक्रेसी क्या है, वो अलग बात इनमें क्या है जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं, इनके काम को याद रख सकते हैं। सैमुअल जॉनसन, ही वॉज द लिटरेरी डिक्टेटर ऑफ हिज एज, दो ही वॉज नॉट इट्स ग्रेटर राइटर। डिक्टेटर ऑफ द एज को जो टाइम में बड़ी अजीब सी आदत लगती है, लेकिन इसका मतलब यह था कि ये फुली कंट्रोल कर रहे थे अपनी एज को। ही वॉज अ डिक्टेटर, एक मैग्नेट पर्सनैलिटी थे, ये अपने टाइम के एक बड़े गुरु थे, लोग इनके पास आया करते थे और इनसे सीखा भी करते थे, इनसे काफी गपशप हुआ करती थी, एक सेंट्रल फिगर थे। तो इनके आइडियाज जो हैं वो काफी इन्फ्लुएंशियल रहे अपने दौर के तकरीबन सारे ऑथर्स के ऊपर, तो इस वजह से ये बहुत, खुद तो बहुत बड़े ऑथर, तो क्रिटिक्स के, हाँ मैं नहीं कह रहा, ये क्रिटिक्स की थॉट्स हैं सारी, कि इतने बड़े ग्रेटेस्ट ऑथर तो नहीं है, राइटर तो नहीं बन सके, लेकिन एक पर्सनैलिटी जरूर थे ग्रेटेस्ट। ये एक डिक्टेटर ऑफ हिज एज थे। ही वॉज अ मैन हु स्ट्रगल्स हीरोइकली अगेंस्ट पॉवर्टी एंड इल हेल्थ। बचपन से जिस तरह से अलेक्जेंडर पोप ने भी काफ़ी प्रॉब्लम सफरिंग की है, तो जैसे वो अपने बारे में कहती हैं कि बिल्कुल एक, एक मेरी लाइफ जो है एक ऐसे लगता है कि एक लंबी सी बीमारी है, तो इन्होंने भी शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम देखी और खासतौर पे फाइनेंशियल सफरिंग जो है वो काफ़ी फेस की है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल जायंट एंड अ मैन ऑफ स्टर्लिंग करेक्टर। ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज ही वॉज ऑनर्ड एंड लव्ड बाय ऑल। And in his poor house, gathered the foremost artists, scholars, actors. And remember, in his poor house,
he was not a very much a rich kind of person, but a limited means of के साथ जो है इस बंदे ने जो है वो सिस्टम को रन किया है, और ना सिर्फ ये कि बल्कि इंटेलेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है, पैसे कमाने नहीं दिया बाद में भी. सो फॉरमोस्ट जो आर्टिस्ट स्कॉलर एक्टर्स एंड लिटरेरी मैन ऑफ लंदन वो लुक्ड अपॉन हिम एज देयर लीडर, वो समझते थे कि हमारे लीडर हैं, हमारे गुरु हैं, हमें बहुत सी बातें ये समझा सकते हैं. उनके पास जो तांता एक बंदा रहता था, आर्टिस्ट का, स्कॉलर्स का, एक्टर्स का, राइटर्स का, एक बड़ा सोशल सर्कल बनाया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. इनके जो बड़े बड़े काम है जिनपे कहते हैं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को हमने डिस्कस किया है पहले भी, वहां भी हमने तकरीबन सारी बातें इनकी डिस्कस कर ली थी कुछ थोड़ी सी और डिटेल के साथ. जॉनसन का जो बेस्ट नोन वर्क है वो तो उनकी कंपाइलेशन है, डिक्शनरी जो उन्होंने कंपाइल की थी, ठीक है, एंड लाइफ ऑफ द पोएट. ये दो को जो है हम कहते हैं कि बहुत बड़े इनके काम है, जो इन्होंने लाइफ ऑफ द पोएट बुक लिखी है, जो कि एक किस्म की आप कह लें कि बायोग्राफी प्लस क्रिटिसिज्म की बुक है, और डिक्शनरी पहली इन्होंने कंपाइल की. आज जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखते हैं वो बहुत बाद में कंपाइल की. ही कंट्रीब्यूटेड अ नंबर ऑफ द आर्टिकल्स इन द पीरियोडिकल्स द रैम्बलर, द आइडलर एंड द रेसलेस. उनके जमाने में जितने पीरियोडिकल जो मैगजीन पब्लिश हुआ करते थे, लिटरेरी मैगजीन जो होते थे या क्रिटिसिज्म के मैगजीन, तो ये उनमें लिखा करते थे, और उसमें एज एन आर्टिस्ट जो है ये पार्ट एज एन एसिस्ट और आर्टिस्ट पर अपनी कमेंट्री देते थे. तो क्रिटिसिज्म ये अपने टाइम के बहुत बड़े क्रिटिक भी समझे जाते हैं. तो क्रिटिसिज्म में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ऐसे राइटिंग में भी उन्होंने काम किया, बुक्स भी कंपाइल की और डिक्शनरी भी एक लिखी. इन लाइफ ऑफ द पोएट विच आर वेरी रीडेबल क्रिटिकल बायोग्राफीज ऑफ द इंग्लिश पोएट्स हिज स्टाइल इज सिंपल एंड एट टाइम चार्मिंग. वो जो प्रोस का स्टाइल है वो जो जॉन ड्राइडन ने सेट किया था, और बाद में जो है एज ऑफ पोप में एडिसन और स्टील ने इस पर काम किया है, और स्विफ्ट ने लिखा उसको, उसी पैरामीटर पे ये आगे बढ़ते हैं. लेकिन कि उसमें उनसे ज़ाहिर है अलग किस्म की प्रोज होगी, लेकिन प्रिंसिपल वाइज में इन सारे में सिमिलैरिटी आपको मिलेगी. ही सेट अ मॉडल ऑफ प्रोज स्टाइल विच हैड रिदम, बैलेंस एंड लूसिडिटी एंड विच कुड बी इमिटेटेड विद प्रॉफिट. इन डूइंग सो ही प्रिजर्व द इंग्लिश प्रोज स्टाइल फ्रॉम डीजनरेटिंग इनटू इट Triviality and feebleness. उन्होंने वो जो क्लासिकल स्टाइल था उसको, जैसे हम लास्ट टाइम देखा ना वॉल, क्लासिकल वॉल को इन्होंने सहारा दिया था, और इसी तरह इन्होंने उसको संभाले रखा प्रोज को भी, और उसको फिर एक लाइफ दी. और इनके बाद आपको पता है प्रोज एक नए एरा में एंटर हो जाएगी जो हम कहेंगे रोमांटिक. तो इनका यही काम है, ये दोबारा से आप देख सकते हैं वर्क्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन जो फेमस है. बस आपने डिक्शनरी याद रखना है, इनकी डेट वगैरह भी अगर याद रखना चाहें तो साथ साथ कर लीजिएगा. लाइफ ऑफ द पोएट रैम्बलर आइडल और रेसलेस में लिखा, और लाइफ ऑफ द पोएट डिक्शनरी दो बड़े काम है जो प्रोज के हवाले से स्पेशली. अदर वर्क्स में तो हम अदर प्लेसेस पर इनको डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद हमारे पास ऑथर आते हैं दी बर्क. ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ जॉनसन सर्कल. जॉनसन के सर्कल में आपको पता है कोई भी इंटेलेक्चुअल और कोई भी जो है वो आर्टिस्ट स्कॉलर जो है वो लाजमी उसका पार्ट होगा. सो ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ जॉनसन सर्कल. ही वाज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 30 इयर्स. और ये पॉलिटिशियन भी थे, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे, एंड सच ही मेड हिज मार्क एज द मोस्ट फोर्सफुल एंड इफेक्टिव ओरेटर ऑफ हिज टाइम. ये बिल्कुल सिसरो के साथ आप इनका कंपेरिजन कर सकते हैं. रोम के जो सिसरो थे वो भी एक सेनेटर भी थे और बहुत बड़े ओरेटर थे, और उनकी स्पीचेस जो हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं. बिल्कुल बर्क आप समझ लेंगे इंग्लिश के सेसर हैं, इंग्लिश एज के क्लासिकल के सेसर हैं. अ मैन ऑफ वास्ट नॉलेज ही वाज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर दैट एवर स्पोक इन इंग्लिश पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर, पॉलिटिकल थिंकर, फिलोसोफर, अपनी थिंकिंग थी और बहुत ज्यादा इलम भी रखते थे. बर्क्स चीफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर आर द स्पीचेस, जैसे सिसरो की हैं, बिल्कुल इन्होंने भी स्पीचेस ही दी हैं. एंड राइटिंग ऑफ हिज पब्लिक कैरियर, कुछ जो है वो जैसे कॉलम और ऐसे वगैरह लिखे होंगे. द अर्लीस्ट ऑफ देम वर थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिस्कंटेंट. 1770 में इनकी कलेक्शन ही पब्लिश होती है स्पीचेस की, विच इज कॉल्ड थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिस्कंटेंट. इन दिस वर्क बर्क एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड मोनार्की, ठीक है, एंड विच हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड सिंस द ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन 1688. रेवोल्यूशन आने के बाद, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आने के बाद ये हुआ था कि पार्लियामेंट के इख्तियार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे,
इंग्लैंड में डेमोक्रेसी जो है वो अपने सर उठा रही थी। जो मिल्टन ने ड्रीम देखा था वो मोनार्की ऑल्दो रिस्टोर तो हो गई थी, थोड़े थोड़े अरसे तक उन्होंने बड़े बड़ी पावर के साथ वो रिस्टोर हुई, लेकिन ग्रेजुअली जो पार्लियामेंट जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी कि उन्हें जो है आम लोगों तक इख्तियार को नीचे दिया जाए, और इन्होंने इस बात को प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड मोनार्की जो है होनी चाहिए। When James II was made to quit the throne and William of the Orange was invited by the Parliament to become the King of England with limited powers, when the American colonies revolted against England and the British government was trying to suppress that revolt, Burke vehemently advocated the cause of the American independence. So, thoughts of the present discontents mein jo political situation ek turmoil aur change aur transition ka phase tha, jahan pe Parliament jo hai uske ikhtiyarat badhte ja rahe the और मोनार्की जो है आहिस्ता आहिस्ता डी थ्रोन होती जा रही थी दोबारा से, प्रैक्टिकली अब डी थ्रोन हो रही थी, बाहर तो अभी भी कायम है आपको पता है मोनार्की, लेकिन अब सिंबॉलिक है, अब जो है उनका काम सिर्फ एक दिखावे का है, अब जो है वो 100% इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास। उसके अलावा जब अमेरिकन कॉलोनीज ने रिवॉल्ट किया वो भी यही टाइम था बर्क का, जब इन्होंने टैक्स वगैरह अमेरिका पे लगाए और उन्होंने टैक्स देने से इनकार कर दिया और अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस की वार वो स्टार्ट कर दी। अब्राहम लिंकन तो शहर अभी नहीं आया था, वो शुरू में जो उनके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, तो वाशिंगटन वगैरह ने की लीडरशिप में वहां पे एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, और ये था कि इंग्लैंड से अमेरिका जो है उसने फैसला किया कि हमें अब आजाद हो जाना चाहिए। सो अमेरिकन कॉलोनीज रिवोल्टेड अगेंस्ट इंग्लैंड एंड द इंग्लिश गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू सप्रेस दैट रिवोल्ट, जैसा कि वो इनका काम है ये नेशन सप्रेस करते। Burke vehemently advocated the cause of American independence. लेकिन पार्लियामेंट में अंदर जो बर्क है उन्होंने बड़े जोरों शोर से वो हिमायत की किसकी, अमेरिकन फ्रीडम की। एंड दैट कनेक्शन ही डिलीवर्ड टू फेमस स्पीचेस इन दैट कनेक्शन जो है आई शायद से यहाँ ही डिलीवर्ड टू फेमस स्पीचेस इन द पार्लियामेंट, बड़ी फेमस हुई बाद में, ज़ाहिर है अमेरिका को आजादी के बाद जरूर इनको याद रखते होंगे। On American taxation, 1774 के अंदर इन्होंने स्पीच दी थी अमेरिका के टैक्सेशन के ऊपर, जो आपने जो टैक्स लगाया वो गलत किया है या आपने ज्यादा टैक्सेशन कर दिए या आपका नहीं हक बनता, तो उनकी आजादी के लिए उन्होंने बात की। एंड कंसिलिएशन विद अमेरिका इन विच आर एम्बॉडीड ट्रू स्टेट्समैनशिप एंड पोलिटिकल विजडम, वो हमें नजर आता है। द ग्रेटेस्ट स्पीच ऑफ द बर्क वर हाउएवर डिलीवर्ड इन द कनेक्शन विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन विच वॉज which were published as Reflections on the French Revolution, 1790 के अंदर, क्योंकि साथ साथ एक और भी इवेंट चल रहा था, ना सिर्फ अमेरिकन जो है वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे बल्कि साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी इन्होंने स्पीचेस दी हैं, और उन पे जो इनकी कलेक्शन है द रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1790, एक जबरदस्त इनका काम है। द थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिस्कंटेंट ऑन अमेरिकन टैक्सेशन एंड द रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1790 बर्क स्पीचेस। Here Burke shows himself as prejudiced against the ideals of the revolution and at times he becomes immoderate and indulges in exaggeration. But from the point of view of the style of the literary matter, agar us taraf se dekhen, idea se aapko ikhtilaf ho sakta hai, but from the point of view of the style and the literary merit, the reflections stand higher because they brought out the poetry of the Burke's nature. His last speeches delivered in connection with the impeachment of the Warren Hastings for the atrocities he committed in India. और Warren Hastings को भी आप शायद जानते होंगे, जो यहाँ पे वायसराय रहे इंडिया के अंदर, और उन्होंने जहाँ पे जो एट्रोसिटीज कमिट की थी वापस जाके उन्होंने उनके खिलाफ भी लिखा। That showed Burke as the champion of justice and a determined foe of corruption, high-handedness and cruelty. इसे हमें पता चलता है कि बर्क की क्या पर्सनैलिटी, वो किस तरह जस्टिस के चैंपियन हैं, करप्शन के खिलाफ हैं, क्रुएलिटी वगैरह के, जिस तरह हमें जॉन मिल्टन में एक प्रिंसिपल नजर आते हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरे आथर, हमने कहा था तीन ही हमारे पास आथर होंगे, प्रोज राइटर ज्यादा बर्डनाइज आप नहीं होंगे, ये जब जॉनसन में प्रोज अलग करना बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही बल्कि मजे की जो वर्क है, तो एक आप सिसरो से कंपेरिजन कर सकते हैं, एक तरफ मिल्टन के साथ उसकी शख्सियत का, बर्क की और जॉनसन तो खुद हैं ही हैं जॉइन, और उनकी डिक्शनरी आपको कैसे भूल सकती है। और तीसरी जो बड़ी पर्सनैलिटी हुए हैं एडवर्ड गिबन, ही वाज द हिस्टोरियन
एडवर्ड गिबन जो है ये एक हिस्टोरियन है ऑफ इंग्लैंड हु रोट इन अ लिटरेरी मैनर, उनको लिटरेचर में इस वजह से ले रहे हैं उनकी जो हिस्ट्री थी उन्होंने एक खूबसूरत प्रोज लिखी है लिटरेरी मैनर में उन्होंने काम किया। इज ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल वर्क जो है वो द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये इनका वर्ल्ड फेमस है डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर विच इज एन अथॉरिटेटिव एंड वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कैन पास सक्सेसफुली द टेस्ट ऑफ द मॉडर्न रिसर्च एंड स्कॉलर, बिल्कुल मॉडर्न रिसर्च के जो पैरामीटर हैं जहाँ जहाँ जो आप जो हिस्ट्री है ना वो ख्यालों में नहीं लिखी जाती, अब हिस्ट्री के लिए एविडेंस रिक्वायर्ड होता है, आर्कियोलॉजी भी उसकी मदद करती है और सोशल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, कॉइन्स देखे जाते हैं और अदर जो है एविडेंसेस जो है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च किया जाता है उनकी बेसिस पर जो है हिस्ट्री को आज लिखा जाता है। बट इट्स इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर इज ऑन अकाउंट ऑफ द प्रो स्टाइल विच इज वेरी क्लाइमेक्स ऑफ द क्लासिसिज्म, इट इज फिनिश्ड एलिगेंट एलैबोरेटेड एंड एग्जॉस्टिव, क्योंकि गिबन भी डायरेक्ट क्लासिकल एज की प्रोडक्ट है और उन्हें जब प्रोज लिखने की ठानी होगी तो उन्होंने यकीनन उस सारे पैरामीटर प्रिंसिपल को फॉलो किया जो उस टाइम में हर तरफ मौजूद थे, यानी किस किस्म के प्रोज होने चाहिए, और इस पर आपको पता है हमने एक काफी बात कर चुके हैं कि इनका क्या स्टाइल है प्रोज का या ओवरऑल राइटिंग का, या जो रॉयल सोसाइटी थी उन्होंने क्या जो है प्रिंसिपल सेट किए थे और ड्राइडन ने कैसे जो अपनी प्रोज को उन्हीं पैरामीटर पर लिखा और क्या रीजन इन सब चीजों की, इसको आप अच्छे से आप जानते हैं क्योंकि आप इतने अच्छे से हम इस पर बात कर रहे हैं काफी दिनों से। तो इस लेक्चर लेकिन मेरे ख्याल में हम इसको एक रिव्यू के तौर पे ले लेते हैं तो रिव्यू करते हैं एक मिनट में, हमको ज्यादा नहीं लेंगे टाइम, अभी हमने क्या पढ़ा है एज ऑफ जॉनसन, मैं सवाल करने वाला हूँ बी रेडी। तो प्रोज ऑफ एज ऑफ जॉनसन हमने अभी पढ़ी है, हमने कहा तीन हिस्से में डिवाइड थी, ये आप जान चुके हैं, इसका हमने एक इंट्रोडक्शन लिया और बताया कि अभी हम जॉनसन बर्क और गिबन को स्टडी किया, फिर हमने सैमुअल जॉनसन के काम को देखा कि किस तरह एक इंटेलेक्चुअल जॉइंट थे और किस तरह उनके घर में जो है ना वो एक पुअर हाउस के अंदर गैदर होती थी पूरे कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट स्कॉलर्स एक्टर्स ऑल टाइप ऑफ लिटरेरी मैन एंड द राइटर्स ऑफ लंदन, इनके जो काम है उसमें प्रोज वर्क में स्पेशली आप देख सकते हैं इनकी डिक्शनरी जो है एंड लाइफ्स ऑफ द पोएट, बाकी इन्होंने रैम्बलर आइडलर रेस्टलेस में लिखा और लाइफ्स ऑफ द पोएट जो है इनका बड़ा सिग्निफिकेंट वर्क है एज फार एज प्रोज इज कंसर्न। उसके अलावा हमने बर्ड को देखा, बर्ड के बारे में हमें पता चलेगा हमने इसको सिसरो से कंपेयर किया, पर्सनैलिटी वाइज हमने मिल्टन की क्वालिटीज में हमें इनमें नजर आती हैं और ये पार्लियामेंट के मेंबर भी थे, पॉलिटिकल फिलासफर भी थे और मोस्टली ऐसे पर्सन से हम क्या तबक्को रखते हैं स्पीचेस की, उन्होंने स्पीचेस दी थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिसकंटेंट उसका एक बैकग्राउंड है, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन इनकी बड़ी फेमस स्पीच है एंड द रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये एक चैंपियन थे जस्टिस के करप्शन के खिलाफ थे जो जिससे हमें जाहिर होता है कि इन्होंने जो है वो वॉरेन हेस्टिंग की भी शदीद मुखालफत है जिन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन कमिट की थी इंडिया के अंदर। उसके बाद हमने राइटर जो देखे एडवर्ड गिबन, बेसिकली वो कोई लिटरेरी राइटर तो नहीं है, उन्होंने कोई ड्रामा या नॉवल या प्रेसेस तो नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने जो वर्क लिखा है वो एक लिटरेरी स्टाइल से लिखा है, उन्होंने जो हिस्ट्री की बुक लिखी है द डिक्लाइन एंड द फॉल रोमन एम्पायर, इसी वजह से वो आज फेमस है और इसकी एक लिटरेरी मेरिट भी है। तो